नमस्कार, मैं हूं आपका अष्टअंकल शिरोमणि सचिन। भैरवाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामना। भैरवाष्टमी कब मनाई जाती है, भैरवाष्टमी पर कौन सा ऐसा दिव्य प्रयोग करना है, जिसको करने के बाद आपके ऊपर यदि कोई नजर दोष है, तंत्र दोष है, पापी ग्रहों की दृष्टि है, या फिर किसी भी तरीके से आप परेशान रहते हैं, क्या करें, खास उपाय, ये बताने का आपको प्रयास करेंगे। काल भैरवाष्टमी जो है अघन मास यानी मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन कालाष्टमी भी होती है। भगवान भैरव के साथ साथ देवी काली की पूजा अर्चना की जाती है। तमाम नकारात्मकताएं नष्ट होने लगती हैं। यदि आप पर किसी तरीके का कोई नजर दोष है, तंत्र दोष है, या किसी भी तरीके की कोई बाधा है, तो काल भैरवाष्टमी एक ऐसा पर्व है, एक ऐसी तिथि है, एक ऐसी जो है अनुष्ठान की, एक पूजा की एक ऐसी तिथि आ जाती है। इस तिथि पर यदि कोई भी आप पूजा अर्चना करेंगे तो मान के चलिएगा आप हर परेशानी से, हर विपदा आपदा से बचे रहेंगे। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए काल भैरव भगवान शिव के ही अवतार है। भगवान शिव ने ही इनको उत्पन्न किया था, इसलिए ये भी रुद्रावतार है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ यदि आप काल भैरवाष्टमी पर भगवान भैरव की पूजा अर्चना करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। अब आपको तरीका बताते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हर परेशानी से घिरे हुए हैं, बहुत सारे आपने उपाय किए, बहुत सारे आपने रत्न पहने, बहुत सारे आपने मंत्र जाप किए, बहुत सारे आपने हर संभव प्रयास आपने करके देख लिए, अब भैरवाष्टमी आ चुकी है। भैरवाष्टमी पर आप सुबह के समय जल्दी उठें, स्नान करें और हो सके तो आप एक मुट्ठी सात अनाज अपने सर से सात बार उल्टा वार कर किसी पीपल के नीचे या किसी बहते जल में प्रवाह करें। ये तो हुआ आपका पहला काम। अब दूसरा कार्य क्या करना है, आपको मध्य दोपहर में लगभग 12 बजे से पहले, पौने 12 से सवा 12 के बीच में किसी भी भैरव मंदिर में पहुंचना है और सरसों के तेल का या तिल के तेल का चौमुखा दिया, आटे का हो या मिट्टी का हो, आप एक जलाइएगा और जलाने के बाद भगवान भैरव से प्रार्थना करिएगा और भैरव चालीसा का पाठ कर लीजिए, फिर वापस घर आइएगा। यदि आपके पास शाम को भी समय है तो संध्या के बाद यानी कि लगभग जब सूर्यास्त हो जाए तो आपको 5 इमरती लेनी है, 1 सरसों के तेल का चौमुखा दिया लेना है और 1 जनेऊ लेना है, मीठा पान लेना है, 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 जायफल, 1 इलायची, ये तमाम सामग्री लेकर आप किसी प्लेट में रखकर भगवान भैरव के मंदिर पहुंचिए। अब सबसे पहले किसी आसन पर बैठिएगा, भगवान भैरव के नाम से भगवान भैरव के सामने आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का जो आप तेल ले गए उनका आप दिया प्रज्वलित करिएगा। उसके बाद तमाम ये जो सामग्रियां हैं भगवान भैरव को अर्पित करें, अपनी समस्या भगवान भैरव को कहें। ओम भम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भैरवाष्टक का पाठ करें। ओम देवराज से विमान पवनांग्री पंकजम व्याल यक्ष सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। इस प्रकार भैरवाष्टक काल भैरवाष्टक का पाठ यदि आप करेंगे तो भगवान भैरव की कृपा बहुत आसानी से हो जाएगी। मात्र 3 बार काल भैरवाष्टक का पाठ करिएगा, तमाम सामग्रियां जो ले गए तो अर्पित कर दीजिए, अपनी प्रार्थना भगवान भैरव से सरल शब्दों में कहिएगा। देखिए आप जब तक घर पहुंचेंगे रास्ते में ही आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। हाँ, एक काम और करिएगा, क्योंकि भैरव की पूजा अर्चना में जब भी आप कोई सामग्री अर्पित करते हैं तो उसमें से कुछ सामग्री जैसे मोदक है या फिर लड्डू है या फिर और प्रसाद जो आप अर्पित कर रहे हैं भगवान भैरव को, तो वो थोड़ा सा लेकर किसी भी रास्ते में आते समय कुत्ते को जरूर खिला दीजिएगा, यानी कि डॉग को। आप एक बार ये करके देखिए, आपको लाभ होगा और तमाम नकारात्मकताएं, नजर दोष, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर आऊंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।